गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब गुड़गांव में थोड़ी सी हल्की ठंडक हो गई है। अथर अपनी कार के साथ खेल रहे हैं। अथर के पास छोटी सी बाइक है, अथर अपनी बाइक दिखा रहे हैं। और आद्या मेरी गोद में है। आद्या अभी खेल रही थी, अभी ना अब आद्या को खेलने का मन नहीं है। हाँ अच्छा, हेलो बोल दो आद्या। अथर की कार ये i20 है, बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी i20 है अथर के पास में, है ना। आद्या हेलो बोल दो। अथर बोल रहे हैं कि बाहर देख खेलना है अथर को बालकनी में। ये गुड़गांव का मौसम आज साफ है। मेरा रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट में, आज पोहा और चाय। आद्या बोल रही है मुझे खिला दो। अथर का दूध चौको भी रेडी है। अथर अपना दूध चौको एंजॉय कर रहे हैं। अबे आद्या ने धनिया तोड़ तोड़ के फैला दी है। चना की भाजी कल थोड़ी छोटी थी, आज थोड़ी और ग्रो कर गई, थोड़ी और बड़ी हो गई है। ये अथर के लिए पनीर टिक्का, और अथर एंजॉय कर रहे हैं पनीर टिक्का। मेरे बेटे की बदमाशी तो कभी नहीं खत्म होती है। देखो आद्या ने रन लगा दिया। आद्या ने तो हाँ गर्म लग गई क्या आद्या को लग रहा है? आद्या गर्म लग रही, मुंह से निकाल रही। अथर भी आद्या की एक्टिंग करने लगे। चलिए एंजॉय करने देते हैं इनको अपना। आज हम फिर से अथर आद्या को लेके एम्बियंस मॉल में आ गए हैं, और वो चले जा रहे हैं दोनों आगे आगे। वो है दोनों आगे पापा के साथ में। ये आ गए हैं अथर आद्या एम्बियंस मॉल में। सबसे पहले हम क्रोमा में आ गए हैं, तो दोनों क्रोमा में आते हैं। दोनों अपना सबसे पहले इनको जहाँ भी जगह मिल जाती है वहाँ दोनों अपना जगह ढूंढ ढाड़ के अपना खेलने लगते हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी टीवी लगी, 65 इंच की टीवी है यहाँ पे लगी हुई है। सबसे पहले ये दोनों यहीं पे आ गए, इनको अट्रैक्टिव लगा होगा। दोनों यहाँ पे आके अपना खेल रहे हैं। अथर के पापा अपना उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है, तो अपना शॉपिंग के लिए कुछ देख रहे हैं, जो भी उन्हें गैजेट्स वगैरह कुछ लेने हैं। और अथर आद्या अपना दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे अपनी मस्ती करने में लगे हुए हैं। अभी हम क्रोमा में हैं, और क्रोमा का ये टीवी वाला सेक्शन है, पूरा LED लगी हुई है इधर से चारों साइड, तो LED है। ये देखिए पूरे आपको LED दिख रही होंगी इधर से। हम आ गए हैं एम्बियंस मॉल के रिलायंस डिजिटल में। यहाँ पे हमें कुछ सामान खरीदना है, तो अभी एग्जीक्यूटिव गए हैं कि सामान अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे हम साउंड बार वाले सेक्शन, साउंड बार जोन में वहाँ पे बैठे हुए हैं सबसे दूर। आद्या खेल रही, आद्या थर दोनों खेल रहे हैं। आद्या बढ़िया एंजॉय कर रही है अपना, बॉटल पी रही है, पानी पी रही है, वो भी देख रही है कि क्या है यहाँ पे। ये हम वापस क्रोमा में आ गए हैं। हम रिलायंस डिजिटल भी गए थे, रिलायंस डिजिटल में पर हमें जो लेना था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम वापस क्रोमा में आ गए हैं। क्रोमा में हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, क्रोमा में हमें मिल गया। अभी हम एप्पल वाले फ़ोन देख रहे हैं। और ये वॉचेस वाला सेक्शन आ गया, यहाँ पे वॉच लगी हुई है, और ये एप्पल वॉच है। ये पूरा एप्पल वाला सेक्शन है, यहाँ एप्पल के टैबलेट, लैपटॉप, एप्पल वॉच सब यहाँ पे हैं। ये पूरा एप्पल वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, जो हमें ख़रीदना था हमने यहाँ पे शॉपिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे बिलिंग काउंटर में आ गए हैं बिलिंग कराने के लिए। और एम्बियंस मॉल में आज के दिन इतना रश था, कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा रश था। अथर आद्या थोड़ा परेशान भी हो रही थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो आद्या परेशान करने लगी थी, और बिलिंग में भी टाइम लग गया था इसी वजह से, और आते थोड़ा परेशान हो रही थी। पापा बिलिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे अथर अपना खेल रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पे खेलने की जगह मिल गई, तो अपना खेलने में लगे हैं। फ्रिज वाला पूरा सेक्शन है ये, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का, तो अपना फ्रिज खोल के वो देख रहे हैं। यहाँ आद्या भी जग जाती है, थोड़ी देर पर आद्या भी ठीक होकर अपना खेलने लगती है, वो भी नॉर्मल होकर। यहाँ पर अथर और आद्या दोनों खेलने लगे हैं। आद्या अथर को ढूंढ रही, अथर छिप जाता है उससे, तो वो अथर को ढूंढ रही है, और अथर नहीं दिखाई देता तो वो रोने लग रही है। यहाँ पे अथर को ढूंढ, यहाँ वहाँ देख जा के अथर को ढूंढ लेती है। अथर उसे बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ जा जा के छुप जाता है। वो आ गया, देखो आद्या खुश हो गई, अथर को देख के खुश हो जाती है।
आधे भाई के साथ यहाँ बढ़िया खेल रही है, वो अथर चला जा रहा आगे आगे, उसको देख के जब सामने आ जाता है भाई तो बहुत खुश हो जाती है, हो गई उसके पीछे पीछे, अब उसके उससे पूछ के पीछे नहीं जाना, यहाँ पे आके रुक गई है आद्या। यहाँ पे हमारी बिलिंग कंप्लीट हो जाती है और ये मोबाइल के साथ में जो हमने ख़रीदा उसके साथ एक वीडियो बना रहे हैं, मैंने अथर के पापा से ले लिया है। मोबाइल ख़रीदने के बाद अब अथर हम कहाँ आ गए हैं, हल्दी राम में। शॉपिंग करने के बाद अब फाइनली हम आ गए हैं हल्दीराम में डिनर करने के लिए, क्योंकि शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, सबको भूख भी लगाई थी, तो हमने कहा चलिए हल्दीराम में चल के डिनर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिनर एंजॉय कर रहे हैं, फन सिटी बंद हो गया है, हम घर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मॉल में ये लोटस से दिए बने हुए हैं, लोटस के फूल बने हुए हैं और ऊपर से हैंग करके मतलब लगे हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि क्या बताएं, ऊपर से पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिल रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अब हमने कर ली है एम्बियंस मॉल से एग्जिट और हम बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो लाइट वगैरह जल चुकी थी, इतना सुंदर लग रहा है ये एरिया, पूरा एम्बियंस मॉल डेकोरेटेड है लाइट से, ये देखिए दिए लाइट से बने हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं ये दिए भी, इतना बड़ा है ना कि आप यदि यहाँ पे चाहे जितने बजे आओ आपको शॉपिंग करते करते बहुत ज़्यादा घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जब शॉपिंग करनी हो तो बात ही अलग है, तब भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। देखिए पूरा एम्बियंस मॉल ऐसे लाइट से डेकोरेटेड है और अथर का इतना टाइम लग गया कि अथर का फन सिटी बंद हो गया था, उसने फन सिटी भी नहीं घूमा, इतना सुंदर लग रहा है, पूरा लाइट से ऐसे ही डेकोरेटेड है पूरा मॉल। और रात के समय जब लाइटें वगैरह जल जाती हैं ना तब तो मॉल वैसे सुंदर लगता है और देखने में और सुंदर लगता है, लाइटें वगैरह लग गई जल रही हैं तो। अब हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल से बाहर, पूरा एम्बियंस मॉल ऐसे ही सजा हुआ है, पूरा लाइट से डेकोरेटेड है। और हाँ, हमने एम्बियंस मॉल से क्या शॉपिंग की है ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, अभी तो हम जल्दी में थे क्योंकि रात हो गई थी ऑब्वियस, तो हम जा रहे हैं घर की ओर और पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि एम्बियंस मॉल कैसे सजा हुआ है, पूरा लाइट से, पूरा बाहर एग्जिट जहाँ एग्जिट है वहाँ तक पूरा डेकोरेटेड है एम्बियंस मॉल। अब हम आ गए हैं मॉल के बाहर, ये रोड पे आ गए हैं हम और अब हम घर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, हमें अंदर वाली लेन से लेना था तो हमने साइबर सिटी वाली बाहर वाली लेन से ही ले लिया, तो हमें साइबर सिटी की ओर से अंदर से जाना पड़ गया, इसीलिए पूरा हमने साइबर सिटी घूमते हुए हम अंदर गए हैं। और यहाँ से आने का ये फ़ायदा हुआ कि पूरी साइबर सिटी घूमने को मिल गई, साइबर सिटी पूरी लाइट से डेकोरेटेड है, बहुत सुंदर लग रही है, साइबर सिटी में बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस हैं यहाँ पे। और साइबर सिटी में भी आप कभी आओ ना तो ऐसा लगता है कि हम इंडिया में है ही नहीं, इतना सुंदर है साइबर सिटी। देखिए पूरा साइबर सिटी लाइट से डेकोरेटेड है, बहुत सुंदर लग रहा है, हम कभी कभी गाड़ी उठा के चले आते हैं साइबर सिटी घूमने के लिए, साइबर सिटी आना अच्छा लगता है, घूमने लायक अच्छी बहुत अच्छी जगह है साइबर सिटी। देखिए पूरा साइबर सिटी भी लाइट से डेकोरेटेड, एम्बियंस मॉल भी पूरा लाइट से डेकोरेटेड था, साइबर सिटी भी ऐसे बहुत दूर तक मतलब लाइट से पूरा डेकोरेटेड। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।